Hello viewers, welcome to the lecture series of environmental chemistry. This is lecture number 3, and till now we have studied a lot of things about pollutants. सबसे पहले हमने pollutants में हमारे stratospheric pollutants के बारे में study किया था, जिसमें gaseous air pollutants, oxide of sulfur, nitrogen, carbon dioxide, ये सब चीजें study की थी. So in the last class we were particularly on particulate pollutants. ठीक है, और आज हम उसी के अंदर आगे बढ़ेंगे और हम आज स्टडी करेंगे स्मोक के बारे में. स्मोक एक काफी कॉमन आजकल सुना जाता है न्यूज वगैरह पे, आपने सुना होगा अक्सर कि सर्दियों के टाइम दिल्ली में स्मोक हो रहा है. तो क्या मतलब है स्मोक का? सो लेट अस राइट डाउन एंड साथ साथ में स्टडी करते हुए चलेंगे. द वर्ड स्मोक, द वर्ड smog is derived from smoke, ठीक है, and fog, यानी कि fog भी हो और smoke भी हो तब क्या बोलता है हमारा smog. This is the most common example of air pollution that occurs in many cities throughout the world. It is throughout the world. Okay, so यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अपने को भी smoke क्या है, smoke और fog से जो बन रहा है उसे हम smoke कहते हैं. और smoke हमारे पास mainly दो types के हैं, two types. ठीक है, तो पहला हमारे पास type क्या है, एक तो है हमारे पास classical smoke जो कि कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है. क्लासिकल स्मोग अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, और ये जो है हमारा, ये हमारा मिक्सचर किस किस का होता है, स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड का. इट इज मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड केमिकली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. केमिकली इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग मिक्सचर सॉरी केमिकली इट इज अ रिड्यूसिंग मिक्सचर मिक्सचर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक एंड सो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक. ठीक है, सो एक तो हमारा टाइप है क्लासिकल स्मोक और दूसरा है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक. क्लासिकल स्मोक जो है वो हमारा स्मोक फोग और सल्फर डाइऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है और ये रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए इसे अक्सर रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है. ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट टाइप है वो है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक. तो फोटोकेमिकल स्मोग जो है हमारा वार्म अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट. इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोग रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्रीज. तो ये तो हो गया हमारा फोटोकेमिकल स्मोक. इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक. क्यों बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक? क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हाई कंसेंट्रेशन होती है. बिकॉज फोटोकेमिकल स्मोक हैज high concentration of oxidizing agents.
एजेंट्स। ओके, तो अब हम डीप में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं कि हमारे जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो बनता कैसे है। सो लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो जब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे, हम उनको जब बर्न करते हैं तो वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं काफी सारे। और ट्रोपोस्फेयर, हमारे ट्रोपोस्फेयर में काफी सारे तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं जब हम हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। तो जिसमें से हमारे दो पॉल्यूटेंट्स, टू ऑफ पॉल्यूटेंट दैट आर एमिटेड आर हाइड्रोकार्बन्स। एक तो हाइड्रोकार्बन्स निकल रहे हैं, क्योंकि वो कैसे निकल रहे हैं, अनबर्न फ्यूल से, जो फ्यूल नहीं जल पाया उससे हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं। और उसके अलावा हमारा निकल रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये पॉल्यूटेंट्स मतलब एक अच्छे लेवल में प्रेजेंट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है विद देयर इंटरेक्शन विद सनलाइट, इन विच एनओ जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और एनओ टू क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट में एंड ब्रेक्स इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अ फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन एटम बना है और ये काफी रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन कर लेता है और O3 बना लेता है। O3 क्या, अपना ओजोन। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं उनके बर्न होने के कारण काफी सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जिसमें से हमारी मेजर है एनओ और हाइड्रोकार्बन। एनओ हमारी सनलाइट के साथ रिएक्ट कर NO2 में कन्वर्ट हो जा रही है, जो कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ब्रेक हो जा रही है NO और O में, और O क्या बना रहा है, ओजोन बना रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके। सो लेट अस राइट दिस स्टोरी डाउन कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न अ वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड इनटू द अर्थ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जिसमें से हमारे जो एमिट होने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं, टू ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनओ। अब ये एनओ क्या करेगा, एनओ मतलब अगर ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो जाएंगे, तो ये एनओ क्या करेगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा। इफ these pollutants build up to sufficiently high level, a chain reaction occurs from their interaction with sunlight, in which जो हमारा NO है, NO is converted to nitrogen dioxide NO2, or this NO2 absorbs energy from sunlight and breaks up into NO, वापस NO में बन जाता है and free oxygen atom। समझ रहे हो बात को, कि हमारे पास NO2 था, हमारे पास NO2 था गैस, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो NO और O में टूट गया। ठीक है, और ये जो O है, अब ये O क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। नाउ द ऑक्सीजन एटम आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइन विद O2 इन द एयर टू प्रोड्यूस ओजोन। ठीक है, तो ओजोन प्रोड्यूस कर लेगा अपनी, ये क्या रिएक्शन होगी, O2 गैस प्लस O गैस, और ये रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारी, O3 बना लेगा। और ये जो O3 बन रही है, अब ये क्या करेगी, ये वापस से NO के साथ रिएक्ट करेगी, और वो जो हमारी पहली जो रिएक्शन थी
वो NO2 बनाएगा। अब NO2 ब्राउन गैस है और सफिशियंटली हाई लेवल इसका काफी ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है। द ओजोन फॉर्म्ड रिएक्ट्स रैपिडली विद NO, ठीक है, टू रीजनरेट NO2। तो ये एक तरह से चेन रिएक्शन चल रही है, तभी हमने और चेन रिएक्शन लिखा था, क्योंकि ये एक दूसरे को बार बार बनाते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे। जो NO2 है हमारा, ये है इस ब्राउन गैस और एंड इट्स सफिशियंटली हाई लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू हेज। और इसकी रिएक्शन क्या होगी, NO प्लस O3 गैस विल टर्न टू NO2 गैस प्लस O2 गैस। और ये तो हमें पता ही है कि ओजोन जो होती है हमारी, वो कितनी ज्यादा हार्मफुल गैस होती है। हालांकि ऊपर एटमोसफेयर में प्रेजेंट होने से हमें फायदा भी हो रहा है, बट ओजोन वैसे हमारे लिए डायरेक्ट अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन भी निकला था साथ में, उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और ये क्या बना देंगे, ये हमारी जो एयर है उसको पल्यूट करेंगे। हाइड्रोकार्बन इन द पॉल्यूटेड एयर और ये बनाएंगे केमिकल्स सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, एरोसिलीन, PAN, पॉल्यूटेड एयर टू प्रोड्यूस केमिकल सच एज, केमिकल कौन कौन से बनाएंगे ये हमारे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या क्या है, 3CH4 प्लस ये हाइड्रोकार्बन आ गया, ये हमारी आई ऑक्सीजन, और ये इन्होंने बना दिया मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड प्लस थोड़ा सा पानी, ठीक है। और उसके अलावा एरोसिलीन भी बनाते हैं ये, एक्रोलीन, इसका फॉर्मूला है CH2 CH CH डबल बॉन्डो। और फिर है हमारे पास पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, यानी कि CH3 COO NO2। ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, क्या पता कभी काम आ जाए। तो ये तो थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, और ओजोन के जो नुकसान हो सकते हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम इन पर्टिकुलर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो जैसे कि हमने बात की, जो तो हमारे फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, PAN, तो ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। सो ये जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा सीरियस और हमें काफी ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ओजोन और पैन जो है हमारे, वो पावरफुल आई इरिटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारा, वो नोज में इरिटेशन, थ्रोट में इरिटेशन, और उसकी हाई कंसेंट्रेशन होने के कारण हमें हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, गले में सूखा जैसा लग सकता है, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सारी काफ़ी सारी ह्यूमन को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक जो है हमारे प्लांट्स को भी डैमेज कर सकते हैं, वो हमारे मेटल्स को भी जंग लगाते हैं, स्टोन्स को भी डैमेज करते हैं, बिल्डिंग्स को भी डैमेज करते हैं, तो काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक के। सो लेट अस क्विकली राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। So as we studied, the common components of photochemical smog are ozone, nitric oxide, acrolein, PAN. So photochemical smog causes serious health problems. Both ozone and PAN
and act as powerful irritant. Powerful आई इरिटेंट, ठीक है। उसके अलावा ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट, तो थ्रोट की स्पेलिंग कर दी हमने, एंड थ्रोट एंड देयर हाई कंसंट्रेशन कॉजेस हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस। इस तरह के हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे फोटोकेमिकल स्मोक जो हमें हमें इफेक्ट कर सकता है वो है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके इफेक्ट्स हैं। फोटोकेमिकल केमिकल स्मोक लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। इट ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स स्टोन्स बिल्डिंग मटेरियल्स रबर एंड पेंटेड सरफेस। तो ये तो थे हमारे जो हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो हमने बन कैसे रहा है ये भी बात कर ली, ठीक है। हमने ये भी बात कर ली कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। अब इसके साथ ही ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो टू कंट्रोल द फोटोकेमिकल स्मोक काफ़ी सारी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती हैं। सो अगर आपको प्राइमरी मतलब प्राइमरी जो काम सबसे बेसिक लेवल पर काम करना है, तो प्रिकर्शर्स जो है हमारे फोटोकेमिकल स्मोक के NO2 एंड हाइड्रोकार्बन ही प्राइमरी हैं। सेकेंडरी प्रिकर्शर्स हैं ओजोन एंड पैन। तो यूजुअली कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल में, जिसके कारण से नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की जो रिलीज है एटमोसफेयर में वो कम हो जाती है, घट जाती है सिग्निफिकेंटली। और उसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास, इनका मैं नाम लिख देता हूँ, अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं चलो वो देख लेते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो टू कंट्रोल दिस कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इन एटमोसफेयर, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, अगर हम इनको उगाते हैं तो हम काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रोल भी कर सकते हैं, मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड, देयरफॉर देयर प्लांटेशन हेल्प्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्मोक के बारे में। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में हम क्या स्टडी करते हैं, मेनली ओजोन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि ओजोन बना कैसे, ओजोन खराब कैसे हो रहा है, उसमें होल कैसे हो रहा है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन एंड साथ साथ में इसको समझते हुए चलेंगे अपन। द अपर अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ O3, जिसको हम ओजोन भी कहते हैं। और ओजोन का मेन काम क्या होता है, हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं।
ओजोन का मेन काम होता है हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सूरज की तरफ से हमें आ रही होती है उनको हम तक पहुंचने से रोकना। ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हमें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है, क्योंकि जैसे कि स्किन कैंसर, ये मतलब इन्हीं से काफी सारी दिक्कत हो सकती है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ओजोन हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ओजोन की शील्ड होना हमारी धरती पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन डाइऑक्सीजन। हम अभी यहाँ पे फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझते चलना कि जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में डाइऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो यूवी रेडिएशन उस पर एक्ट करती है, और जो ओ टू है हमारा वो ओ और ओ में जुड़ जाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और वो जो ओ है ना सिंगल ओ वो फिर ओ टू के साथ रिएक्ट कंबाइन करके ओ थ्री बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ओजोन बन जाती है। मतलब एक तरीके से जिस चीज को वो वहां पे प्रिवेंट कर रहा है आने से वही चीज उसको बनने में हेल्प कर रही है। तो द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मोलिकुलर ऑक्सीजन इंटू फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जैसे कि हमारी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे ओ टू गैस थी वो यूवी की प्रेजेंस में इसमें टूट गई, फ्री ऑक्सीजन में टूट गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो हमारी ऑक्सीजन है दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो इसकी रिएक्शन भी बहुत सिंपल सी होगी अपनी, क्या होगी कि ओ गैस प्लस ओ टू गैस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी ये क्या बना देगा, ओ थ्री बना देगा, जो कि क्या है हमारा ओजोन। तो एक बात यहाँ पे देख ध्यान रखने वाली क्या है कि जो हमारा ओ थ्री है जो हमारा थर्मोडाइनेमिकली काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो क्या होता है, एक डायनेमिकली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ओजोन इज थर्मो डायनेमिकली अनस्टेबल एंड डीकम्पोज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दस डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हमारी फॉर्मेशन की बात होगी। लेट मी जस्ट क्विकली रिकॉल वट एवर वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। सो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर, उसके अपर पार्ट में, वहां पे हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है। वो बन कैसे रही है कि जो हमारा डाई ऑक्सीजन ओ टू मॉलिक्यूल है वो हमारा यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में वो स्प्लिट हो जाता है फ्री ऑक्सीजन में, और वो जो फ्री ऑक्सीजन है वो हमारी यूवी की ही प्रेजेंस में ओ टू के साथ कंबाइन करके क्या बना लेती है, ओ थ्री बना लेती है। ठीक है, अब ये तो हो गई फॉर्मेशन की बात। अब आपको एक बताते हैं रीसेंट ईयर्स की एक कहानी। तो रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस के चलते, नेमली सीएफसी जिसको हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहा जाता है या जिसको हम प्रियॉन्स भी कहते हैं, उनकी प्रेजेंस के चलते ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। दीज कंपाउंड्स आर नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। सीएफसी आ कहाँ से रही है, अपने रेफ्रिजरेशन में, एसीज में,
इनके अंदर इसी एफ सीज को यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी अनहार्मफुल गैसेस होती हैं। बट ये हमें पता नहीं लगा था पहले कि ये हमारा ओजोन में जाके ओजोन होल बना रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कैसे बना रही है बताते हैं आपको। तो जब हमारी क्लोरो फ्लोरोकार्बन यानी फ्रियॉन्स जब एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो दे मिक्स विद द नॉर्मल एटमोस्फेरिक गैसेस एंड इवेंचुअली रीच द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते ही पावरफुल और यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में सीएफसी CF2Cl2 जो है हमारा, वो यूवी की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल और सी में टूट जाएगा, ठीक है। और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है हमारा, ये क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ClO बना लेगा। और ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बना है, ये और क्लोरीन बनाएगा ऑक्सीजन फ्री फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके। और ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और इससे जो ओजोन है हमारी वो ब्रेक डाउन होती रहती है, और इसी तरीके से हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एक छेद हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, ऑक्सीजन टूट के ऑक्सीजन में ओजोन में बदल रहा था, ओजोन टूट के ऑक्सीजन में बदल रहा था, तो ये आपस में ही खेल रहे थे। बट अब एक थर्ड पार्टी आ चुकी है यहाँ पे, जिसको हम क्लोरो फ्लोरोकार्बन कह रहे हैं, जो कि क्लोरीन में टूटकर सीएलओ बना रही है और ओजोन को खत्म कर रही है। सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट डाउन कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हमारा डिप्लीशन किसके वजह से होता है, मेन ये होता है हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीएफसीज। मेन रीजन क्या है इसका, रिलीज ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन सीएफसीज, जिसको हम फ्रियॉन्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होती है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, उन सब में। सो अब होता क्या है कि वंस वंस पीएफसीज आर रिलीज इन एटमोस्फेयर, दे मिक्स विद नॉर्मल एटमोस्फेरिक गैसेस, नॉर्मल एटमोस्फेरिक गैसेस एंड इवेंचुअली रीचेस द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, इन स्ट्रेटोस्फेयर दे गेट ब्रोकन डाउन डाउन बाय पावरफुल यूवी रेडिएशंस, रेडिएशन रिलीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा बन गया, ये हमारा तैयार है क्या करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए ये तैयार बैठा है। जैसे CF2Cl2 ये गैस थी हमारी, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये अपना इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी इट ब्रोक डाउन इनटू सीएल फ्री रेडिकल प्लस CF2Cl। इससे हमें इतना मतलब नहीं है, हमारा कंसर्न है क्लोरीन फ्री रेडिकल से। तो ये जो अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट गया, अब ये क्या करेगा, द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल्स एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसने हमारी ऑक्सीजन, पहले ओजोन किस में टूटती थी, O2 और O में टूटती थी, बट अब किस में टूट रही है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में और मोलिकुलर ऑक्सीजन में। अब देखो दिक्कत क्या होती है, आगे देखना। अभी जैसे सीएल रेडिकल O3, इसको हमारा टूट गई है ClO+O2 में, ठीक है। अब पहले किस में टूटती थी हमारी, O3 O2+O में टूट रही थी, देखो इसमें टूटती थी, बट अब क्या दिक्कत आ रही है, इसमें सीएलओ में टूटी। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है हमारे पास, तो रिएक्शन ऑफ सीएलओ विद
एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर क्लोरीन रेडिकल। अब इससे क्या होगा, और ज्यादा क्लोरीन रेडिकल बनने लग जाएंगे, उससे फिर और ज्यादा बनेंगे, मतलब ऐसे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें पहले तो हमारा टूट फूट के ओजोन और ऑक्सीजन में ही घूमते थे, बट अब एक नया क्लोरीन आ गया है और उसके साथ मिलकर टूटने लगे हैं। और ये क्या करेगा, लगातार करता रहेगा ये काम अपना जो कर रहा है। ये क्या करेगा, द क्लोरीन रेडिकल रेडिकल्स आर कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड एंड कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। क्योंकि आप पूरी रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें, ओजोन तो कभी बन ही नहीं रहा, जो ओजोन प्रेजेंट थी उसको भी तोड़ के सीएलओ में ले आया, तो सीएलओ प्लस ओ बन गया, फिर सीएल बन गया, फिर सीएलओ थ्री के साथ रिएक्ट करेगा, फिर सीएलओ, मतलब एक लूप सा बन गया, और ओजोन को क्या करता रहेगा, ये खत्म करता रहेगा। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे ओजोन क्या हो जाएगी, डैमेज होने लगेगी और खत्म होने लगेगी, समझ रहे हैं आप। तो अब हम आगे देखते हैं ओजोन होल के बारे में। तो ये तो पता लग गई कैसे, क्या सीएफसी हो का मतलब इफेक्ट कैसे पड़ रहा था। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द ओजोन होल, ठीक है। तो 1980s में जो एटमोस्फेरिक साइंटिस्ट हुआ करते थे वो एंटार्क्टिका में काम किया करते थे, तो चेक ओजोन का स्टेटस वगैरह चेक करते थे, और उन्होंने नोटिस किया कि ओजोन जो है उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ओजोन घटने लगी है। तो लेटर इट वॉज फाउंड दैट यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। और समर सीजन में क्या होता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करती थी, रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम्स, जिससे हमारा क्लोरीन सिंक्स बनते थे, जिससे ओजोन खराब होने लगती थी फिर से। और विंटर में क्या होता था, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स जिसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाते थे एंटार्क्टिका के ऊपर, जिससे कि ये दीज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरस एसिड। तो लेट मी राइट डाउन इट इन डिटेल प्रॉपरली सो दैट इट विल बी बेटर। इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम, फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लेशन। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी अपनी, येलो प्लस NO2, येलो NO2 और Cl रेडिकल प्लस CH4 CH3 HCl। और विंटर में क्या होता है, इन विंटर स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वेरी क्लाउड आर फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिका। दीज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म्ड गेट्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड वायर्स पर रिएक्शन टू गिव मॉलिक्यूलर क्लोरीन। लेट मी क्विकली राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड हियर। तो एक तो हमारी कौन सी हो रही है, CLO प्लस NO2 CLO NO2, उसके अलावा CLO NO2 प्लस H2O HCOL प्लस HNO3। तो होता क्या है, जब व्हेन हमारी सनलाइट
returns back, returns to the Antarctica, Antarctica in spring. The sun warmth breaks up the cloud of and HCl and photolyzed by sunlight as given reaction. To Antarctica in spring, the sun's warmth breaks up the clouds and HOCl and Cl2 are photolyzed by sunlight. The chlorine radicals thus formed initiate the chain reaction of for ozone depletion as described earlier. All right. तो हमारी कहानी क्या है कि समर सीजन में क्या होता है, जो नाइट्रेट डाइऑक्साइड और मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन डिप्लीशन से प्रिवेंट कर लेता है. और सर्दियों में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स जिसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एंटार्क्टिका पे पूरे. ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या करते हैं, ये सरफेस की तरह एक्ट करते हैं जिसके ऊपर क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है. एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस एज पर रिएक्शन टू गिव मॉलिक्यूल क्लोरीन. बट जब सनलाइट वापस आती है एंटार्क्टिका पे और सन की गर्मी के कारण ये जो क्लाउड है ये ब्रेक कर जाते हैं HOCl एंड Cl2 में, ठीक है. और फिर जो क्लोरीन रेडिकल बनता है, ये क्लोरीन रेडिकल वो जो हमारी चेन रिएक्शन थी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी यहाँ पे, ये ओजोन डिप्लीशन वाली ये वाली रिएक्शन, ये वाली चीज चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और अल्टीमेटली डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर, ठीक है. सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक ओवर द हार्मफुल इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन. सो सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओजोन चली जाएगी तो ज्यादा यूवी रेडिएशंस धरती की तरफ आ पाएंगी, मतलब हमारे तक पहुंचेंगी, क्योंकि जो हमारे को जो ओजोन की फिल्टर आउट कर रही थी वो चली गई. तो उससे क्या होगा, लीड्स टू ये सारे के सारे यूवी के कारण आ रहे हैं, ड्यू टू यूवी, ठीक है. लीड्स टू एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी फाइटो प्लैंकटॉन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो यूवी रेडिएशन के चलते म्यूटेशन हो जाता है सेल्स का, किसमें, प्लांट्स में, म्यूटेशन ऑफ सेल्स. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमें हो सकते हैं इसके कारण, जब ओजोन लेयर में होल हो जाएगा उसके कारण यूवी रेडिएशन धरती पर आएंगी, उसके कारण जो इफेक्ट होंगे हम उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है. तो म्यूटेशन ऑफ सेल्स, म्यूटेशन ऑफ सेल्स इन प्लांट्स, इसके कारण ऑल्सो इंक्रीजेज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द टोमेटा, टोमेटा ऑफ लीव्स एंड डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड मैनी मोर थिंग्स. सो फॉर दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच.